हमारे अनाज मंडी मंडी के प्रधान आप झज्जर में उपस्थित, नहीं मैं यहाँ आ जाती हूँ, आप बैठ जाओ, हमारे अनाज मंडी झज्जर में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आरती भाई, सभी बाकी किसान हैं, सभी यहाँ पर हैं, हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रधान हरिंदर सिलाना जी, सरपंच पात्रे के बीच एक बात तो कई रह रही है, सरकार आने दो, पहले बात ना कहूँ, एक का कहूंगा, माफी चाहूंगा बहन जी, हमने बहन जी को लड्डुओं से और सेबों से वजन के बराबर भाई तो पूरी मंडी एसोसिएशन ना, या माफी चाहूंगा बहन जी, बीच में कैसा होता मालिन मंत्री है, इसको कैसे बीच में कैसे मेरे को दे दे, माफी चाहूंगा, उसमें क्या, हम तो बहन है आपकी। हमारे अनाज मंडी झज्जर के प्रधान हमारे भाई हरिंदर सिलाना जी, सरपंच बलजीत गुलिया जी, श्री धर्मपाल पुनिया जी, पूर्व प्रधान चांद पहलवान जी, पूर्व प्रधान सतबीर मलहान जी, सरपंच हमारे सुभाष बाबरा जी, श्री राजकुमार जी देसवाल, संदीप गुलिया जी, संजय शर्मा जी, राममेर मलिक जी, संजय गुलिया, विनोद धनखड़ जी, ओमी सेठ जी, नवीन पहलवान जी, पप्पू सेठ जी, हमारे पूर्व प्रधान नरेंद्र धनखड़ जी, श्री भगवान नंबरदार जी, विजय पुनिया जी, जसवीर अहरी जी, दो संदीप हसनपुर जी, राव नरेंद्र जी, संदीप पुनिया तीन है क्या यहाँ पे, वाकई तीन है क्या, तीन बार संदीप है, अच्छा फिर तो सारे पुनिया मेरे भाई यहीं खड़े हैं, मैंने सोचा इतने लिखी दिए तभी, राव अशोक यादव जी, श्री रविंदर जी, मोनू मुंडाखेड़ा जी, सुनील कादियान जी, सोहन धनकर जी, राजेश मलान जी, श्री नवीन कड़ौदा जी, हमारे साथ आए सुभाष गुर्जर जी, सुरेंद्र ठेकेदार जी, बलजीत सिंह जी एक सरपंच, नीटू जी एक सरपंच, बलजीत सिंह मदानी जी, सतपाल ओला जी, डॉक्टर सुनील जाखड़ जी, जेपी कादियान जी, टोनी सेठ जी, धर्मपाल जी एक सरपंच, जय गोविंद जी भार्गव एक सरपंच बिरधाना, संतराम नंबरदार जी, प्रदीप पहलवान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले आपने झज्जर अनाज मंडी की ओर से जो स्वागत किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी झज्जर अनाज मंडी ने हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ देने का काम किया है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच में आई हूं, और आपने जो एसोसिएशन की ओर से पूरी झज्जर मंडी ने मान सम्मान की जो पगड़ी पहनाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं। आपके मान सम्मान की पगड़ी को कभी भी हम झुकने नहीं देंगे। हमारे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं हुई जिसमें हमारा गारंटी पत्र जारी हुआ, और मैं एक ही बात कह सकती हूं, पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में। अभी सुबह का कार्यक्रम था, लेकिन दिन में आदरणीय राहुल गांधी जी का 11 बजे बहादुरगढ़ था, 12 बजे फ्री हुए, फिर अभी डिस्ट्रिक्ट बार में गए, देरी से के लिए माफी चाहती हूँ। हमने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से, हमने एक प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने सभी का ध्यान रखने का, चुनाव का समय है, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि पांचवी बार कांग्रेस की टिकट देकर आपके बीच में भेजा, हाथ जोड़कर आपसे अपील करने के लिए आई हूँ। आने वाली 5 तारीख को मशीन का दूसरे नंबर का बटन का दबाकर आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ से कामयाब करने का काम करें। बहुत सारी घोषणाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में हुई है, पर मैं विशेष तौर से, अब मुझे तो बड़ी हैरानी है, अगर आपको नहीं पता, आपको तो ग्रुपों में प्रचार करना चाहिए, हमने हमारे घोषणा पत्र में ऐसे ही नहीं बना दिया, सीधे जाके सभी से बात करके, आढ़तियों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, किसानों से, गरीबों से, दलितों से, माइनॉरिटी से, युवा से, प्रोफेशनल से, रेडी वालों से, फड़ी वालों से, सभी के बीच में, बहन बेटियों सभी के बीच में जाकर हमने न्याय चौपालें आयोजित की, और उसके बाद जाकर हमारा हरियाणा का घोषणा पत्र बना है। हमने इसमें विशेष तौर से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी दोनों का बहुत इंटरेस्ट था कि क्या हमने घोषणा पत्र में देना है, मैं धन्यवाद करती हूँ, जो मांगे हमारी
आरती एसोसिएशन या किसान संगठनों ने दी, हमने हर मांग को अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में शामिल करने का काम किया है। मैं एक बार कॉपी आपको ही भेंट करनी है, ये हमारा जो है इसमें कृषि किसान व खेती हर मजदूर कल्याण के नाम से हमारा घोषणा पत्र है, उसकी कॉपीज भी आ जाएंगी, वेबसाइट पे भी आ गया। हमने राज्य के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, इसके लिए हम उन्हें खेत घर और गांव के पास अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। यदि हमारे राज्य का अन्नदाता स्वस्थ और संपन्न होगा तो हम विकास के नए कीर्तिमान बनाएंगे। सबसे पहला हमने इसमें लिखा है कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हरियाणा हमारी प्रतिबद्धता है कि हरियाणा के किसान की पैदावार का हर दाना MSP पर बिकेगा, हम इसे कानूनी रूप से सुनिश्चित करेंगे। किसान मजदूरों को कर्ज मुक्त करने के लिए प्रभावशाली कर्ज माफी मुक्ति हमारा लक्ष्य है। फसल योजना के तहत फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के अंदर सीधे किसान के खाते में होगा और बहुत सारी चीजें हैं। विशेष तौर से हमने इसमें जो हमारे 750 किसान हमारे शहीद हुए थे जिन्होंने 3 काले कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष किया था, हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी रही कि 750 से ज्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन में हमारे शहीद हुए। उसके लिए हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद 736 किसानों की याद में सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा। इन 736 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। हाई टेंशन का बहुत बड़ा मामला किसानों का चल रहा है, हमने उसमें भी किया है। सबसे बड़ी जो घोषणा चाह रहे थे कि किसानों को विभिन्न तरह के पोर्टल थमाकर परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस सभी पोर्टलों की समीक्षा करेगी व किसान विरोधी सब पोर्टलों को बंद करने का काम करेगी। हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जिसमें किसान का सारी फसल नहीं बिकती, हम किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। इसमें जो एक और बड़ी घोषणा हमने की है कि हम जो हमारे खेत में काम करते समय जब किसी किसान की या मजदूर की अगर मृत्यु हो जाए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हम उसको 5 लाख रुपया देते थे, इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। हमारी सरकार बनेगी, हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा है हमारे किसी किसान भाई की अगर खेती के दौरान मृत्यु हो जाएगी तो किसान को भी और मजदूर को भी 10 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से देने का काम किया जाएगा, बीमा कवर देने का काम किया जाएगा। ना वो नहीं पानी कुछ नहीं ना पानी वो कोई नहीं धन्यवाद जी। हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का न केवल ये घोषणा पत्र, इसके अलावा भी हमने 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 विकलांग पेंशन, 6000 हमारी विधवा पेंशन देने का काम किया है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में सभी को बीमा कवर इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उसमें करेंगे। विशेष तौर से आज हम हमारी झज्जर अनाज मंडी में यहाँ पर आए हैं, हमारे सभी प्रधान और पूर्व प्रधान और सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का विशेष ध्यान है। और मैं जो आपकी तरफ से मांगे आई थी, कुछ सब्जी मंडी की भी आई थी, फल मंडी की जो है फीस माफ करने का काम करेंगे, आपकी आड़ती को बढ़ाने का काम करेंगे, वो भी लिखा है इसमें। आड़त एसोसिएशन की तरफ से जो मांग भी आई थी, मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हुड्डा साहब ने कहा कि ये मेरी घोषणा थी मुझे इसमें करना है, उसको भी करने का काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ। आपने हमेशा साथ दिया है,
आने वाली 5 तारीख को हाथ का साथ देना। पता नहीं क्या चीज अभी खाएगी कुछ। नहीं नहीं पानी नहीं, कोई चीज, कोई चीज है। नजर लग गई मेरी तो गला खराब नहीं ना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ना ना, कोई चक्कर नहीं। देखिए ऐसा है, किसानों के लिए विशेष तौर से हमने किया है। ना केवल आप झज्जर अनाज मंडी के हैं बल्कि आसपास सभी गांव से हैं। आपके पास किसान भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, हमारे यहाँ पर मजदूर भी हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट, हाथ के निशान का बटन दबाकर आप कामयाब करें। और प्रदेश में जो एक हवा चल रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, मैं आप सभी को यही आश्वासन देती हूँ। जो भी मांगे हमने घोषणा पत्र में लिखी है, एक एक मांग को पूरा करने का काम हम करेंगे। आप अपना आशीर्वाद रखना सभी साथियों को। झज्जर जिले की 4 सीटें हैं, चारों पर कांग्रेस को जिताकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और हम आपके विकास के, आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। ये जो हमारी अनाज मंडी का शेड टूटा पड़ा है, इसके लिए हमने कर रखा है, बहुत जल्दी जैसे ही सरकार बनेगी हमने एक नया शेड, ये वाला और दूसरा। वैसे तो विपक्ष में भी प्रयास किया, हमने बार बार प्रश्न लगाए, सरकार बनेगी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मान सम्मान की पगड़ी पहनाई और साथ ही साथ में आश्वासन दिया, लड्डुओं से तोला, सेबों से तोला, आने वाली 5 तारीख को अपनी बहन को वोट से भी जरूर तोलना, आपकी मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये आपको कॉपी दे देती हूँ प्रधान जी, इसमें ना और भी चीजें हैं, पशुपालन।